गोल्डन रूल नंबर टू, ध्यान से सुनिएगा, डर के आगे क्या है, डर के आगे क्या है। एक बार की बात है, एक राजा था जो हर युद्ध को जीता करता था, सारे युद्ध जीता करता था, लेकिन हमेशा जीत हो ये पॉसिबल नहीं है, कभी कभी हार भी होती है। तो हुआ ये कि एक बार उसको बहुत बुरी हार मिली और उसको वहां से युद्ध छोड़ के भागना पड़ा। वो आगे भागता गया भागता गया भागता गया, कुछ अंगरक्षक जो है उसके साथ में थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूर करके सारे अंगरक्षक जो है पीछे होते गए। अब राजा बड़ा परेशान हो गया, पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसने देखा कि एक छोटा सा गांव आया है, मेला लगा हुआ है सिर्फ दो लाइन का। तो उसने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूं, किसी से बोलता हूं और वहां पर छुप जाता हूं। अब उसने एक रुई वाले को कहा कि मुझे छुपा लो, मेरे पीछे बहुत सारे शत्रु सैनिक पड़े हुए हैं। तो वो रुई वाला जो है व्यक्ति पहचान गया कि ये राजा साहब है। तो उसने क्या किया, नीचे राजा साहब को डाला, उसके ऊपर रुई बोरी में पैक कर दिया। अब शत्रु सैनिक उधर से आए और जो है तलवार लेकर हर रुई के बोरे में, गेहूं के बोरे में, चने के बोरे में, चावल के बोरे में घोपने लगे तलवार अंदर अंदर तक, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ते बढ़ते आए और उस जगह पे आए जहां पर राजा छुपा हुआ था। अब वहां पर तलवार ली और नीचे तक घोपने लगे, अंदर तक घोपने लगे। और वहां पर सब लोग आश्चर्यचकित कि अब क्या होगा, अब तो राजा का खून निकलेगा, अब तो राजा मरेगा। लेकिन राजा बहुत अंदर थे तो वो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब शत्रु सैनिकों ने कहा कि राजा यहां नहीं है, चलो आगे बढ़ो। शत्रु सैनिक वहां से आगे बढ़ गए, धीरे धीरे करके राजा को बाहर निकाला गया। इतने में राजा के जो पर्सनल अंगरक्षक है वो भी वहां पर आ गए और सारे लोग घुटने टेक करके खड़े हो गए कि राजा महाराज, इतना बड़ा राजा था, सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो राजा ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, जो चाहिए वो मांग लो। तो व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, मैं आपसे क्या मांग सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, मैं वो प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। तो राजा ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, पूछो जो प्रश्न पूछना है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब आपके पीछे शत्रु सैनिक लगे हुए थे, उसके बाद आपके अंगरक्षक भी पीछे छूट गए, उसके बाद आप मेरी दुकान पर आए, आपने मुझसे गिड़गिड़ाए कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और मैंने आपको नीचे रुई में दबा दिया। उसके बाद शत्रु सैनिक धीरे धीरे करके तलवार लेकर आने लगे और घोपने लगे, अंदर तक घोपने लगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस समय आपको कैसा लग रहा था। तो सारे लोग जैसे आप थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, हंस दिए, तो वो भी मुस्कुरा दिए, हंस दिए। राजा का दिमाग खराब हो गया, मूर्ख कैसी बात करता है, मैं एक राजा हूं, बलशाली हूं, मुझे कमजोर समझता है, सैनिकों इधर आओ। सैनिकों को बुलाया, इसको पकड़ो और उस पेड़ से बांध दो। सैनिकों ने उसे बांध दिया, उसका दिमाग खराब हो गया, मैंने तो अभी इसे बचाया है, थोड़ी देर पहले ही बचाया है, इसके मुंह पे काला कपड़ा बांधो और तीन गिनती बोलने तक इसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दो। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, उसको बांध दिया गया, उसके मुंह पे काला कपड़ा बांध दिया गया। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति को वहां पर खड़वाया गया तलवार लेके और गिनती बोल रहे हैं राजा साहब, एक दो और तीन। इतने में क्या हुआ कि जो व्यक्ति था उसकी पैंट गीली हो गई, लेकिन जो व्यक्ति है उसने तलवार नहीं चलाई। राजा साहब ने कहा कि अब इसका जरा मास्क हटा दो, मास्क मतलब उतार दो। वो घबराया हुआ, कपकपा रहा है, हाथ पांव ऐसे धड़धड़ कर रहे हैं उसके। तो राजा साहब ने कहा कि इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दिया गया। तो राजा साहब ने पूछा कि जब मैं गुस्सा हुआ, जब मैंने तुम्हारे हाथ पांव बंधवाए, जब तुम्हारे मुंह पे काला कपड़ा आया, तुम्हारे सामने एक व्यक्ति तलवार लेकर खड़ा था मारने के लिए तुमको, और मेरी गिनती चल रही थी एक दो तीन, तब तुम्हें कैसा लग रहा था? तो जैसा तुम्हें लग रहा था वैसे ही मुझे लग रहा था। याद रखिएगा, डर हर इंसान को लगता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे डर नहीं लगता है, लेकिन डर के आगे गोल्डन रूल। हर इंसान डरता है, आपको भी डर लगेगा। जब रिस्क लोगे, एम बनाओगे, आगे बढ़ोगे, फेलियर आएगी, आपको भी डर लगेगा, लेकिन हमेशा याद रखना गोल्डन रूल नंबर टू, डर के आगे।